यह बात महाभारत के युद्ध के समय की है। कुरुक्षेत्र को विशाल सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। बड़े हाथी पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के काम में लगाए गए थे। उनमें से एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था, जिसमें वह चिड़िया अपने चार बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को हाथी ने उखाड़ा तो उस छोटी सी चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। चिड़िया बहुत डर गई कि उसके बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं, परंतु आश्चर्य की बात थी कि उसके बच्चे इस अनहोनी से बच गए थे, परंतु अभी बहुत छोटे होने के कारण वे उड़ नहीं पा रहे थे। दुर्बल और भयभीत चिड़िया सहायता के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसे श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ आते हुए दिखाई दिए। वे दोनों युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध के आरंभ होने से पहले जीतने की रणनीति बनाने के लिए वहां पहुंचे थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई और बोली, हे माधव, मेरे बच्चों को बचाएं। कल लड़ाई शुरू होने पर उनका क्या होगा? वे अभी इतने छोटे हैं कि उड़ भी नहीं पा रहे हैं। मेरा शरीर भी बहुत कमजोर है। मैं उन्हें उठाकर दूसरी सुरक्षित जगह पर नहीं ले जा सकती। कृपया सहायता करें। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, परंतु काल चक्र पर किसी का वश नहीं है। मैं प्रकृति के कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सुनकर चिड़िया ने कहा, भगवान, आप मेरे उद्धार करता हैं। मैंने अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंप दिया है। अब आप सोचें उनके साथ क्या करना है। चिड़िया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं यह न मैं जान सकती हूँ और न ही कोई और, परंतु इतना जरूर जानती हूँ कि आप स्वयं काल के नियंता हैं। मैं इस परिस्थिति सहित स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। भगवान ने चिड़िया की ओर देखा और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। चिड़िया ने अपने पंखों को कुछ क्षणों के लिए फुलाया और वह अपने घोंसले में वापस चली गई। चिड़िया और श्री कृष्ण के बीच यह जो संवाद चल रहा था वह अर्जुन को पता नहीं था। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष के साथ युद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मुझे अपने धनुष और बाण तो जरा। अर्जुन चौंक गए क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की शपथ ली थी। आज्ञा दे केशव, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है, अर्जुन ने कहा। परंतु श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी पर निशाना बनाया। उन्होंने वह तीर हाथी के गले की घंटी पर छोड़ा, जिससे वह घंटी नीचे गिर गई। अर्जुन ने सोचा कि केशव एक आसान सा निशाना कैसे चूक सकते हैं। उसने सोचा, क्या मैं कुछ मदद करूं केशव? श्री कृष्ण ने अर्जुन को धनुष वापस देकर कहा कि नहीं नहीं, बस हो गया, और कुछ करना नहीं है, तुम आगे बढ़ो। परंतु जिज्ञासु अर्जुन ने पूछा, केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? वे बोले, क्योंकि उस हाथी ने उस पेड़ को गिराया था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। कौन सी चिड़िया? और हाथी की भी घंटी ही टूटी, यह कैसा दंड हुआ? अर्जुन बोला। परंतु अर्जुन का प्रश्न टालकर श्री कृष्ण ने उन्हें शंख फूकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों के युद्ध में पांडवों की जीत हुई। जीत के बाद पुनः एक बार श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपने साथ उसी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। जंग का मैदान शवों से, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। चलते चलते श्री कृष्ण जी एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी के गले में बांधी जाती है, उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन,
क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे दूसरी तरफ रख देंगे? अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आया कि इतने विशाल मैदान में श्री कृष्ण जी केवल उस धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं। हाँ, यही घंटी, श्री कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर थी और जिस पर मैंने तीर मारा था। यह सुनते ही अर्जुन तुरंत वह भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, चार युवा पक्षी और उसके बाद एक चिड़िया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर वह माँ और बच्चे कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले हाथी के गले से काटी गई एक घंटी ने चिड़िया के पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन बड़े दया भाव और श्रद्धा के साथ कृष्ण की ओर देखते हुए बोले, मुझे क्षमा कर दो केशव, आप जगत पालक हैं, मैं ये भूल गया था। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।